आठ मार्च 2020 आज दिन है, आज संडे है और ईश्वर की उपासना का दिन है, खुशी का दिन है। मेरे लिए तो और भी खुशी का दिन है कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। और खुशी की बात मेरे लिए ये भी है कि मुझे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अवार्ड मिले। काफ़ी दिन हो गए, 2003-04 में मिला था मुझे वो अवार्ड एज ए प्रिंसिपल। सेल की पहली प्राचार्य रही जिसको ये अवार्ड मिला, और सेल के जो मुखिया हैं जैन साहब वो दिल्ली में हैं, तो मैं वहाँ दिल्ली में स्वर्गीय डॉक्टर जैन, शिवराज जैन, वो चेयरमैन थे, और राष्ट्रपति डॉक्टर स्वर्गीय राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी के द्वारा मुझे प्रेसिडेंट अवार्ड मिला, जो भिलाई के लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। और भिलाई के वासी बहुत खुश हो गए कि हमारे यहाँ से एक प्राचार्य को पहली बार यह अवार्ड मिल रहा है। ये उनके गौरव की बात थी। और उस समय उन्होंने कहा कि आप दिल्ली में, वो वहाँ ऐसा जैन साहब हैं जो वहाँ पर मुखिया हैं सेल के, उनसे मिल के। और वहाँ भी मैं उनसे मिली और उन्होंने भी मुझे सम्मानित किया, और मेरे साथ मेरे पति और मेरा लड़का डॉक्टर इमैनुअल भी था, जो हम सब के इस घटना का जो हिस्सेदार बना। और हमें राष्ट्रपति भवन में ये पुरस्कार दिया गया। आज इतने दिनों के बाद मैं देखती हूँ कि ये फिर से यहाँ पर नए CEO आए हैं, और उनके सामने भी मुझे जाना पड़ा और वो CEO उन्होंने बहुत इस चीज़ को बहुत खुशी की बात समझा कि हमारे सेल में मैडम एक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को सम्मानित करें। अवसर पर मेरे इस्पात संयंत्र के संबंध विभिन्न विधाओं में पारंगत और प्रतिष्ठित महिला कार्मिकों एवं अधिकारियों की चित्र प्रदर्शनी है, और इंटरनेशनल वुमेंस डे जिसमें मेरा भी वहां पर सम्मान किया गया है, और ये उस प्रदर्शनी में मुझे भी एक स्थान दिया गया है। ये बड़े भिलाई के लिए गौरव की बात है, भिलाई के लेडीज़ के बीच में इस प्रकार की उपलब्धि पाना वो बहुत बड़ी चीज़ है। और इस उपलब्धि में मैंने देखा कि आप अपने लगन से, मेहनत से और ज़िद करेंगे कि हमें ये कार्य करके ही छोड़ना है, और जो को काम करने का सोचा और उसके पीछे लग गए। हमने कठिनाइयों को नहीं देखा, पर जन समूह के लिए हमने बहुत कार्य किया, जैसे कि जो बाल अपराध ही बच्चों को किस प्रकार उनको मेन स्ट्रीम में लाया जाए, महिलाओं को जो हर तरह से तिरस्कृत हैं उनको समाज में मिलाया जाए, ऐसे कई कार्य किए जिसके सबब से मुझे बुलाया गया, आमंत्रित किया गया कि मैं उनके देशों में जा कर के ऐसे अपराधी, बाल अपराधी बच्चों और अपराधी महिलाओं के बीच में जेल में जाऊं और वहां पर उनको जीवन को सुधारने के लिए दिशा निर्देश दे सकूं। इसी के तहत मैं सिंगापुर गई, और अमेरिका में टेनेसी में मैं गई, साउथ अफ्रीका जोहन्सबर्ग के जेलों में मैंने प्रचार किया, वैसे ही स्वीडन में भी मैं इसी के तहत बुलाई गई, और मैं अपने जितने पेपर्स पब्लिश हुए इंटरनेशनल लेवल पे और इंडिया के विभिन्न संस्थाओं में तो काम में आने वाले जो टीचर्स सेटिस्फैक्शन ऑफ सेकेंडरी स्कूल प्रीमिसेस, इस पर मैंने रिसर्च किया, और उससे लोगों का बहुत भला हुआ, टीचर्स में एनहांसमेंट हुआ, क्वालिटी टीचिंग आरंभ हो गई। इन सारे कार्य के रूप में करने पर तब मुझे सरकार की ओर से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अवार्ड मिला।
मैं ईश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं परमेश्वर यहोवा और यीशु मसीह को मैं धन्यवाद देती हूँ कि जो भी काम मैंने किया वो सब उनकी पहले याद करके उसकी दया से और उसके गाइडेंस से ही मैं कर सकूँ। सच में आइए देखें उस प्रदर्शनी में कैसे महिलाओं को, अन्य महिलाओं को भी किसी किसी क्षेत्र में फिर से उनको सम्मानित करने के लिए, याद करने के लिए उनको रखा गया हुआ है। वे जितने भी यहाँ से हम आरंभ करेंगे, अब यहाँ पर लिखा या देवी सर्वभूतेषु, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में महिला सशक्तिकरण से होगा राष्ट्र का विकास। महिलाएं तपती हैं भट्टियों में और भरती हैं पसीना। और यहाँ पर हम तीजन बाई को देखते हैं, तीजन बाई ने भी अपना झंडा खड़ा किया और राष्ट्रपति से भी पुरस्कृत हुई हैं। और इसके अलावा उनकी जो चेला रही, चेले के रूप में रही श्रीमती रजनी रजक भी उसी कार्य के लिए सम्मानित की गई। और न केवल इस कला के क्षेत्र में परंतु एवरेस्ट विजेता श्रीमती सविता धापवाल भी, उन्हें भी सम्मानित किया गया। और भी महिलाएं हैं जिन्हें वी सैल्यूट द विमेन ऑफ द स्टील। यहाँ पर संध्या चंद्राकर है जिसने अपना सामाजिक उत्तरदायित्व में अपना खड़ा करती है नाम। और यहाँ पर ये देखते हैं कि योग करा रही हैं, जूडो जूडो कराटे के क्षेत्र में उन्होंने आगे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, अपने आप में वो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रही हैं। इसके आगे हम देखते हैं किरण अग्रवाल जी और तंद्रा राय चौधरी, इन लोगों ने भी पावर लिफ्टिंग में और शतरंज की खिलाड़ी रह चुकी हैं। अब हम शिक्षा के क्षेत्र में आते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में भी ये है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के रूप में श्रीमती अभिलाषा पेठे और श्रीमती बिंदु कुरूप, ये भी अपना श्रम देवी पुरस्कार प्राप्त कर चुकी हैं। इसके अलावा हम देखते हैं प्रभाजी नायर भी वी सैल्यूट द वुमेन ऑफ स्टील ये हैंडबॉल खेलने में, और विजया रेड्डी ये इन्होंने भी खेल सम्मान विक्रम सम्मान को पाया। अब मैं अपने पर्सनालिटी पर आ जाऊं, जिसमें श्रीमती डॉक्टर पुष्पा मैसी जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये वी सैल्यूट वुमेन ऑफ स्टील। भिलई इस्पात संयंत्र के शिक्षा विभाग में प्राचार्य के पद पर कार्यरत रही श्रीमती पुष्पा मैसी महामहिम राष्ट्रपति के शिक्षक दिवस पुरस्कार से सम्मानित होने वाली भिलई की पहली शिक्षिका रही है। 5 सितंबर 2003 को राष्ट्रपति भवन में 2002 के लिए प्रदान किया गया यह पुरस्कार अनुशासन और कर्मठता के लिए ख्याति प्राप्त श्रीमती पुष्पा मैसी बच्चों में एक लोकप्रिय शिक्षिका रही। इस प्रकार ये मुझे भी सम्मानित करने के लिए यीशु मसीह ने मदद की कि इतने दिन के बाद, इतने 16-17 साल बीत गए, इसके बावजूद भी लोग याद करते हैं कि अभी तक कोई ऐसा प्राचार्य नहीं रहा जिसको आगे को पुरस्कार मिल सका। मेरे बाद किसी को भी ये पुरस्कार पाने का सुअवसर नहीं मिला, तो मैं इसके लिए प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देती हूँ कि आज उसके आशीष के द्वारा मैंने इस पुरस्कार को प्राप्त किया। और इस न केवल ये पुरस्कार, मेरे दो बच्चे हैं, पहला बेटा जो मेरा रहा है सैमुअल मैसी, डॉक्टर सैमुअल मैसी, ये रहे हैं कुवैत में, उन्होंने 8-10 साल नौकरी किया इंजीनियर के रूप में। वैसे ही छोटा बेटा मेरा इमैनुअल मैसी है जो कि सेक्टर 9 भिलई पास संयंत्र के चिकित्सा विभाग में कार्यरत है और वे हड्डी विशेषज्ञ रहे हैं, तो इसलिए हम उनके लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। और ये ऑर्थोपेडिक सर्जन रहे हैं और कई ऑपरेशन में ये अपने साथियों के साथ काम करते हैं। सच में मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और ये सारी महिलाएं जो अपने अपने क्षेत्र में सब काम की हैं, इन सबको चाहे अभी तो कुछ इस दुनिया में भी नहीं है परंतु मुझे याद किया जा रहा है। सच में बाइबल का वो वचन मुझे याद है, बाइबल में कहते हैं ये अच्छा नाम
बड़े धन से ज्यादा चाहने योग्य मूल्यवान है। अच्छा नाम, अच्छा नाम कमाई हुई महिलाएं हैं जो पूरे विश्व में किस प्रकार अपनी गरीबी से उठ करके उन्होंने उस मुकाम को प्राप्त किया जिसके लिए वो हमेशा अग्रसर रही और ईश्वर की तमन्ना से, ईश्वर की खुशी से वो आगे बढ़ती गई। यहाँ अनेक महिलाएं हैं, बस उस दिन यहाँ पर 25-30 महिलाएं हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में उन्होंने अपना नाम दर्ज कराया। और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि सेल की पत्रिका में भी यहाँ पर स्वर्गीय डॉक्टर अब्दुल कलाम जी हैं, राष्ट्रपति मुरली मनोहर जोशी जो मानव संसाधन मंत्री रहे थे उस समय के, उनके द्वारा मैं ये पुरस्कार हासिल कर रही हूँ। और ये प्रदर्शनी लगी रहेगी, जैसा आपको आगे हम दिखाएंगे तो ये प्रदर्शनी चलती रहेगी। तो मैं ईश्वर पिता को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मैं आज जीवित हूँ और इस जीवन के इस आराम की अवस्था में, जबकि मैं रिटायर हो गई हूँ, फिर भी मुझे याद किया जाता है। परमेश्वर को बहुत धन्यवाद धन्यवाद। और ये परमेश्वर ने इस बड़े से प्रदर्शनी स्थल पर ये मेरा नाम करने के लिए या इसलिए मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ। बहुत धन्यवाद देती हूँ आप सबों को, जिनको मैं सब जगह जा करके मैं अपने गुणों को और ईश्वर के काम को बढ़ाने के लिए मैंने भी बहुत योगदान दिया। YMCA वगैरह में भी मैंने बहुत दिनों तक अपनी सेवाएं दी। YMCA को नागपुर, YMCA को कुरियन पॉल को मैं धन्यवाद देती हूँ। कुरियन पॉल ने भी हमें बहुत आगे बढ़ाया। इससे पहले डैनियल थे, उन्होंने भी हमें आगे बढ़ाया। मैं सबको धन्यवाद धन्यवाद। मैडम जी आप बताइए, आपका सीक्रेट ऑफ सक्सेस, व्हाट्स योर सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस? यू आर ए अकम्प्लिश्ड प्रिंसिपल, ए रेनाउंड एंड फेमस प्रिंसिपल, एंड आफ्टर रिटायरमेंट आल्सो यू सर्व्ड, आपने 11 साल हेड ऑफ डिपार्टमेंट के रूप में अपनी सेवाएं दी सेंट थॉमस कॉलेज में बीएड फैकल्टी, और उसके बाद आपने रिटायरमेंट के बाद दो पीएचडी कर ली। सो इट्स ए यूनिक थिंग एंड इट्स ए रियली ए फैंटास्टिक वेरी प्रेज वर्दी थिंग कि आपने मतलब दो में पीएचडी की एजुकेशन रविशंकर यूनिवर्सिटी से, और एजुकेशन में पीएचडी और थियोलॉजी में आपने की। तो क्या आपका व्हाट्स योर सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस, आपकी सफलता का राज क्या है? एक्चुअली मैं तो बचपन से ही इसी प्रकार की थी। मैंने कोई एम अपना बना लिया था, क्योंकि मैं एक गरीब परिवार से थी और मैं चाहती थी कि मैं एक अधिकारी बनूं, ऑफिसर बनूं, और उसके लिए मैं प्रयास करती थी। पर इस प्रयास में मेरे हृदय में परमेश्वर का डर था और मेरा यहोवा का भय है। अपने जीवन में अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को पूर्ण करने का कभी एक कार्य नहीं किया, परंतु अपने आप के लिए एक एम बनाया और मुझे सारी चीज़ें रट जाती थी। जैसे कि परमेश्वर बाइबल में कहते हैं कि बुद्धि का आरंभ परमेश्वर का भय है, और बुराई से दूर रहना ये क्या है? समझ है। बुराई से दूर रहना मतलब समझ। तो परमेश्वर ने मुझे बुद्धि दी, समझ दी, और मैं पुकारती रही ईश्वर को, और परमेश्वर ने कहा मुझे पुकार, मेरा भय मान, और उसके बाद सोच क्या करती है, और इस सोच ने मुझे इस मुकाम पर ला दिया कि मैं MSc गोल्ड मेडलिस्ट रही। एक ही बार में मुझे नौकरी मिल गई अपने स्टील प्लांट में, और उसमें जल्दी जल्दी मेरा प्रमोशन्स होता गया, और रिटायरमेंट के बाद फिर मैं रिटायरमेंट के बाद फिर मैं कॉलेज में सेंट थॉमस कॉलेज में प्राचार्य के रूप में तो नहीं, पर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बन गई वहाँ बीएड की, और दो पीएचडी किया। और मुझे मेरे प्राचार्य सेंट थॉमस के कहते थे कि मैडम आपको पीएचडी करना है तभी आप हेड बन सकती हैं, क्योंकि कॉलेज में हेड वही बनता है जिसने पीएचडी किया है। और मैंने पीएचडी किया, और रिटायरमेंट के बाद लोगों में आश्चर्य था कि रिटायरमेंट के बाद भी मैसी मैडम रिसर्च कर रही हैं। और मैंने तो खाना था वो सब काम तो
होना ही था, इसलिए वहाँ पीएचडी किया। परंतु उस पीएचडी करने के पहले मैंने सोचा कि सबसे पहले तो यीशु मसीह को मुझे देना है, यीशु मसीह के उसको बाइबल को समझना है, थियोलॉजी को समझना है। इस प्रकार मैंने थियोलॉजी में पीएचडी किया पहले 2010 में, और उसके बाद 2014 में, बस उसकी 2014 में ही मैंने पीएचडी किया, और एजुकेशन में साइकोलॉजी में मैंने किया। स्टडी ऑफ सेकेंडरी स्कूल टीचर्स फॉर देयर सेटिस्फेक्शन एंड डिससेटिस्फेक्शन। डिग्री प्राप्त करने के बाद, पीएचडी प्राप्त करने के बाद मेरा प्रमोशन होता गया और मुझे बहुत सम्मानित किया गया, इसलिए मैं ईश्वर को धन्यवाद। और मैं सबसे बड़ी चीज है आवागमन का साधन मेरे लिए स्कूटर चला, और मेरे बाद कुछ जमाने में स्कूटर तेजी से नहीं चलाती थी गियर वाले, परंतु परमेश्वर ने मुझे बड़ी साहसी महिला थी। मेरे जीवन में बहुत परीक्षाएं आई, तकलीफें आई, और पर उन तकलीफों का सामना मैंने मजबूती से किया, यीशु को याद करके, यीशु से मदद करके। प्रधानों पर भरोसा रखना मैंने कभी नहीं सीखा, मैंने भरोसा रखना सीखा यीशु मसीह से। इस प्रकार एक जीवन की ये गाड़ी चलती गई और मैं सक्सेस पाती गई। सच में परमेश्वर पिता को मैं धन्यवाद देती हूँ। कई लोगों ने देखिए कैसे कैसे स्केच बनाए हुए हैं, कैसे यहाँ पर दिखाया है कि तुम बुरा ना बोलो, यहाँ पर कह रहा है बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, और बुराई की ओर ध्यान मत लगाओ। ये सारी चीज़ें किस प्रकार ये कलाकार अपनी कला कृति के द्वारा लोगों को प्रसन्न करते हैं और अपनी अभिव्यक्ति को प्रकट करते हैं। और ये कास्ट है, लकड़ी के कास्ट इसका रखा गया है और एक डिज़ाइन है, तो सारी चीज़ों को हम देखते हैं। तो मैं तो शिक्षा विभाग में ही रही, अपने जीवन को समर्पित कर दी, और केवल अपने लिए नहीं परंतु मेरे हस्बैंड भी रोज बीएससी थे, और शादी के बाद मैंने उनको एमएससी कराया, और उसके बाद वो हॉर्टिकल्चर ऑफिसर बने। अपने बच्चों को भी बचपन से प्रभु के भय में चलाया, गवाही देने के लिए उसको उनको मैं कोशिश करती रही। और उसके बाद मेरे बड़ा बेटा इंजीनियर बन गया, और इंजीनियरिंग के बाद उसने एमबीए किया, सीडेट किया, और पीएचडी किया थियोलॉजी में। आज वो एक पास्टर चर्च का, और मेरा छोटा बेटा वो डॉक्टर है, उसने किया है एमबीबीएस, और उसके बाद किया है उसने पोस्ट ग्रेजुएट ऑर्थोपेडिक्स में। ही इज़ द सर्जन ऑफ ऑर्थोपेडिक्स। तो हाँ, ये मैडम ये सब प्रश्न पूछा तो मैंने एक दो और प्रश्न है जी, कि आज मतलब जो महिला दिवस मनाया जा रहा है उसमें आज बर्निंग समस्या, जैसे अमेरिका में हम देखते हैं कि वहाँ परिवार टूटे हुए हैं, शादियाँ होती हैं, डाइवोर्स रेट बहुत ज़्यादा है। इंडिया में भी ऐसे ही हो रहा है, डाइवोर्स तलाक बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो आप अपनी पृष्ठभूमि में बताइए, अपने अनुभव बताइए, कैसे आपने संघर्ष किया, सताव झेला, और उसके बाद भी आपने तलाक नहीं लिया, और ये किस प्रकार से आज की जवान बहनों के लिए, महिलाओं के लिए जो शादी होती है 10 दिन बाद, 1 महीने बाद वो घर से भाग जाती है, तलाक ले लेती है। आजकल जैसे आपने समस्या जो बताई है वो तो मेरी बर्निंग प्रॉब्लम है कि मैं लोगों को सिखाऊं, समझाऊं कि आपको शादी के बाद अपने आप को एडजस्ट करके चलना है। और एडजस्टमेंट कब से शुरू होता है, जब आप छोटे हो, और आपके छोटे में आपने एक एम बनाया है कि मुझे आगे बढ़ना है, पढ़ना है। क्या होता है कि बचपन से ही बच्चे जैसे ही टीन एज में आ जाते हैं वो दूसरी तरफ बढ़ने लग जाते हैं, वो अपनी दिशा से भटक जाते हैं। तो इसमें माँ बाप का कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों पर अच्छी तरह उनको देखते रहें, कहाँ जाते हैं वो बच्चे, कैसे करते हैं, इनका संबंध किन लोगों से है, किसके साथ उनकी दोस्ती है। तो बच्चों को मैं यही सलाह दूंगी,
विशेष तौर पे लड़कियों को कि वे अपने करियर के प्रति ध्यान दें। आजकल तो करियर ही सब कुछ है। यदि आपका करियर अच्छा हो जाएगा, आप ध्यान से पढ़ेंगे और आप अपनी डिग्री हासिल करेंगे अच्छे नंबरों से, तभी आपको नौकरी मिल सकती है, तभी आपकी इज्जत हो सकती है समाज में और आप अपने गरीब माँ बाप को उनको दिखा सकते हैं और आपकी स्थिति कैसे ऊँची से ऊँची स्थिति पर पहुँच जाती है। पर यहाँ हम देखते हैं कि बच्चे 14-15 साल के होते हैं तब से ये गलत रास्तों पर चल जाते हैं। ये ठीक है कि उनमें इस उम्र के हार्मोनल चेंज के कारण जो भी उनकी मन की प्रतिक्रिया है, शरीर की इच्छाएं हैं, इसका दमन करके आपको अपने को आगे बढ़ते जाना है, नहीं तो आप निराश हो जाओगे और निराश होने से आपको कहीं कुछ नहीं मिलेगा, पढ़े लिखे नहीं रहोगे। तो शादी के बाद आप जब सताया जाता है तो आप स्वयं खड़े नहीं हो सकते और लोगों के बीच में आदर्श नहीं बन सकते। बाइबल में क्या कहा, जब विवाह के लिए आप बंधन मानते हो तो ये बंधन पवित्र बंधन है और ये पवित्र बंधन ये कब टूट सकता है, जब दोनों में से किसी एक की मृत्यु हो जाए। क्योंकि बाइबल में लिखा है जब तक मृत्यु तुम्हें अलग न करे तब तक तुम साथ में रहो। तो इस प्रकार आजकल हम देख रहे हैं कि लड़कियां थोड़ा सा दुख नहीं सह सकती, अपने आप को थोड़ी सी उनको तसल्ली नहीं हो पाती और वो अपने माँ बाप के घर वापस चली जाती हैं। क्यों ये ऐसा, परमेश्वर ने तो आदम और हवा को इसलिए बनाया कि एक तन रहे और इस प्रकार वो परमेश्वर के योजना में सम्मिलित हो उठे। मेरे पिताजी तो ये कहा करते मेरी शादी के समय कि पुष्पा तुमको मैं विवाह में दे रहा हूँ, परंतु बेटा तुम अपने पति को कभी मत छोड़ना, जो भी है उसमें आपको एडजस्ट होना है। यहाँ एडजस्ट होने का मतलब ये नहीं है परमेश्वर के साथ चलो, एक अच्छी स्त्री बनो, एक अच्छी क्रिश्चियन लड़की बनो तुम, और जिससे कि तुम्हारा पति बदल जाए और तुम अच्छे परिवार की स्थापना कर सको, अच्छे दूसरी पीढ़ी को जन्म दे सको और दूसरी पीढ़ी जन्म दोगे तो परमेश्वर के लिए कितना फल लाएंगे। ये मैं आज की लड़कियों से मैं यही बोलना चाहती हूँ कि वो परमेश्वर को याद करें और अपने को वो बनाए हैं धुन में लग जाए कि मुझे काम करना है और ये सब गलत आशाओं को नहीं पालना है। दुनिया बहुत खराब है, दुनिया आप दुनिया के सम के साथ साथ चलोगे तो आप दुख पाओगे, परंतु पौलुस कैसे कहता है कि मैं अपने आता पीटता और वश में लाता हूँ। हम भी क्यों नहीं वश में लाना सीखते, हम भी अपने शरीर को वश में लाना सीखें, तभी हम प्रभु के साथ आसमान में लाए जाएंगे। और ये है कि अगर हम शरीर को अपने वश में लाएंगे तब हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने पाएंगे। हमारी आत्मा प्रभु ने दिया हमको पवित्र आत्मा, वो इस मंदिर में रहता है, इस मंदिर को हम कभी नाश ना करें, इसको दूषित ना करें। ये जो बदन है, ये शरीर है, ये देह है, ये परमेश्वर का मंदिर है। तो प्रिय भाई बेटियों, मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर के साथ चलते रहो, दुख और तकलीफ आएगी परंतु तुम उसमें विजय प्राप्त करोगे यदि तुम्हारा लीडर यीशु है। यदि तुम्हारा लीडर जीसस है तो तुम हर सफलता प्राप्त करते जाओगे। और जैसे आप पूछ रहे हैं, बेटे ने पूछा कि किस प्रकार आप स्त्रियों को देना चाहती हैं उपदेश और उनको मार्गदर्शन, तो मैं यही कहूँगी कि हर में डरना नहीं है, क्योंकि डर जो है वो शैतान के साथ के द्वारा आता है। और अगर आप मुझको प्रेम करोगे तो आज मुझको देख रहे हैं कि इस उम्र में भी मैं अभी भी इस प्रकार है कि अगर तकलीफें आए तो मैं सबसे पहले यीशु से प्रार्थना करूँ और वो मुझे मदद करेंगे, ये मेरा अटल विश्वास है। और कुछ पूछना चाहेंगे आप? आगे एक और पार्ट रहेगा इंटरव्यू, वो घर में और बगीचों में होगा। हम आपको और भी कितने कुछ जीवन के आयाम हैं जिनको हम बताना चाहेंगे जी। जरूर, यू आर कार्डली इनवाइटेड। और आप जो व्यूवर्स हैं, आप जो दर्शक देख रहे हैं ये यूट्यूब को, आप अपने प्रश्न भी, आपके जीवन में जो समस्या है, प्रॉब्लम्स, परेशानी है, कुछ उलझने हैं, उसको लिखें तो हमारी मम्मी उन पर ध्यान करेंगी, प्रार्थना करेंगी और फिर आपके लिए वीडियो के द्वारा जवाब देंगी। ठीक है, अभी YouTube के द्वारा भी आप कुछ अनछुए हादसे हैं,
कुछ आयाम ऐसे हैं जिसे मैंने नहीं बताया हो, तो ज़रूर अपनी समस्याओं को आप बताइए, हम ज़रूर उसमें मार्गदर्शन देंगे। क्योंकि मैं बाहर भी विदेशों में जो भी गई हूँ, मैं जैसे सिंगापुर गई हूँ मैं, और साउथ अफ्रीका जोहान्सबर्ग, और इसके अलावा स्वीडन में, अमेरिका के टेनेसी में भी मैं जा करके वहाँ पर प्रचार की हूँ, और व्याख्यान मेरा हुआ है बाल अपराधी और ऐसी महिलाओं को जो गलत रास्ते पर चलाती हैं कैसे प्रभु के पास आ करके शरण पाती हैं। क्योंकि हमारा बाइबल कहता है कि अगर तुम्हारे पास लाही रंग की क्यों ना हो परंतु बर्फ के समान श्वेत हो जाएंगे, उस स्त्री को याद करें, वे बेचारी स्त्री। और उन्होंने कहा, यीशु मसीह ने कहा लोगों से जो दोष लगाते थे कि जिसने कभी भी पाप नहीं किया वो इस पर पहला पत्थर। तो मत सोचिए कि हम बड़े निराश हो गए, अब हमारे साथ कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है यीशु के साथ अगर आप आगे चलें। तो अगली बार मैं फिर आपसे मिलूंगी, आपकी जितनी समस्याएं हैं उसको मैं कोशिश करूंगी समस्या का मैं निदान कर सकूं। सो सब प्रभु आशीष दे। आमीन। थैंक यू मैडम, थैंक यू, हालेलुया। Look what the Lord has done. देखो ये यीशु ने किया जो हमारी दृष्टि में अद्भुत है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। थैंक यू जीसस, 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 हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, ऑल द ग्लोरी। सी व्हाट द लॉर्ड हैज डन। लुक the word the Lord has done, it is marvelous in our eyes, it is marvelous in our eyes. Psalms 118 verse 23, look what the Lord has done, it is marvelous in our eyes. Dekho परमेश्वर ने, यीशु ने कितना अद्भुत काम किया जो हमारी दृष्टि में ओ मनोहर है, अद्भुत है। हालेलुया, आमेन, आमेन। I am so glad He's engineer, and at the back he is the doctor, orthopedic surgeon of blessed. I am so grateful to the Lord. He has given two sons, and both are graceful and going to win their souls for the Lord, Lord Jesus. Thank you very much. It's marvelous in our eyes. So this is what, look what the Lord has done. देखो परमेश्वर ने किया, यीशु ने किया, और ये हमारी दृष्टि में अद्भुत है। हालेलुया, यीशु को महिमा। आबे कौन सा दिन है? महिला दिवस के आगे एक और शब्द है ना, के महिला के पहले इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। इंटरनेशनल का मतलब है सारे दुनिया में, सभी देशों में 269 देश हैं, उन देशों में सब जगह आज महिला दिवस मनाया जा रहा है महिलाओं के लिए, और महिलाओं को किस प्रकार हमें समाज में उठाना है और उसके लिए प्रगतिशील स्थान को ग्रहण कराने में पतियों का हाथ होता है, पुरुषों का हाथ रहता है। कई बार जब हम बड़े पद पर होते हैं तब हम सोचते हैं कि अगर कोई स्त्री बड़े पद पर होती है तो पुरुषों को बड़ी तकलीफ होने लगती है, और वो किसी न किसी तरह से वो स्त्री को गिराने की कोशिश करते हैं। ये प्राकृतिक नियम है, हर देशों में ये पाया जाता है। परंतु आज जो मैं जिस बात के लिए खड़ी हुई हूँ वही मैं बताना चाहती हूँ, वो ये है कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में भिलाई स्टील प्लांट कई आयोजन आयोजित करता है। जैसे महिला दिवस में जो लोग हैं, जो कर्मठ महिलाएं हैं उनको आमंत्रित करता है, और स्त्रियों को, लड़कियों को आमंत्रित करता है ताकि उन लोग उनकी गवाही के द्वारा कुछ सीख सकें।
कहीं और पूरे अखबार में भी हम देखते हैं आज पूरा महिलाओं के बारे में चर्चा की गई है, किस प्रकार वो गोबर बिनने वाली लड़की और वो दूसरों के घर झाड़ू पोछा करने वाली लड़की, उसके जुनून बहुत जरूरी है, जिद बहुत जरूरी है। यदि स्त्री के मन में, लड़की के मन में जिद है कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे ऑफिसर बनना है, मुझे वो अपने घर की गरीबी को दूर करना है, तो ये जिद उसे ऊपर तक ले जाती है। उसी का जितना भी वर्णन वर्णीकृत किया गया अखबारों में, उसमें हम देखते हैं कि बच्चे जो हमारे हॉस्टल के भी हैं, वो भी अभी अखबार में जाकर के देखेंगे कि कैसे कैसी महिलाएं जो गरीब हालत में थी और जिनको खाने को नहीं था, बासी भी नहीं मिलता था, और वो कैसे आगे बढ़ करके बड़े बड़े स्थान को उन्होंने ग्रहण किया। तो इसी उद्देश्य को लेकर के भिलाई स्टील प्लांट ने जो है वो महिला दिवस आज कल मनाया है। कल जो डॉक्टर के जो वहाँ पर महिला अधिकारी सबसे बड़ी डायरेक्टर मैडम है डॉक्टर मालिनी, उनको उनके मुख्य आतिथ्य में कार्यक्रम हुआ और पेपर में वो वर्णित है। तो और दूसरा कार्यक्रम जो हुआ है वो मुझसे संबंधित है, वो ये कि भिलाई स्टील प्लांट के उस सिविक सेंटर में जो डोम है वहाँ पर क्या होता है कि कई आकृतियाँ, जैसे ये है पेंटिंग्स हैं, फोटोज हैं और हिस्टोरिकल टेस्टमेंट्स हैं, उन सब को प्रदर्शित किया जाता है कि ये आदमी इतना अच्छा पेंटिंग करता है और इसकी पेंटिंग विश्व स्तर पर उसको इनाम दिया गया, उसे सम्मान दिया गया। तो आज ऐसी स्त्रियों का उस डोम में, सिविक सेंटर के डोम में एक एग्जीबिशन रखा गया है, उनके फोटो और उनके कार्यों को वहाँ दर्शाया गया है। तो उन स्त्रियों में मैं एक स्त्री हूँ, डॉक्टर पुष्पा मैसी। तो इसलिए मैं बहुत ईश्वर को धन्यवाद देती कि भिलाई स्टील प्लांट के स्त्रियों में, पूरे भिलाई स्टील प्लांट की स्त्रियों में अन्य स्त्रियां भी हैं जो वो काम करती हैं, मजदूरों का काम करके पालती हैं घर को, और ये जो प्रसिद्ध स्त्रियां हैं उनका भी लगा है। पर मैं धन्यवाद देती हूँ कि मेरे रिटायरमेंट के इतने दिनों बाद भी भिलाई स्टील प्लांट मुझे याद करता है, मेरी कामों का सबके यहाँ वो प्रश्न देता है, उसके बारे में सब जगह बताता है कि किस प्रकार एक स्त्री यदि मन में ठान ले तो कहाँ तक पहुँच सकती है। तो इस प्रकार मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह को कि मेरी फोटो और मेरा कार्य उस एग्जीबिशन में रखा गया। कल मुझे आमंत्रित किया गया, मैडम आपका जो प्रेसिडेंट अवार्ड है वो जो लेती हुई फोटो है वो हमको आप भेजें, और आपका कुछ वो रिज्यूम है उसको आप भेजें। तो मेरा ताजुब होने लगा कि भैया आप तो इतनी उम्र हो गई है, अब क्या मुझे ये सब पुरानी बातें कहाँ होगी। परंतु फिर भी प्यारो, मेरे अपने बच्चे, मेरे सन कॉलेज के बच्चे और सब अन्य जो बेटे और बेटियां हैं वो ध्यान दें अपने सब काम में। तो कोई आप लोगों को बता दूं कि मैं नौकरी तब शुरू की जब मैं MSc किया, मास्टर ऑफ साइंस, और उसमें सागर यूनिवर्सिटी की मैं टॉपर रही और मेरे को एकदम से नौकरी मिल जाती थी, मेरे को कहीं भटकना नहीं पड़ा, मेरे को कभी रोना नहीं पड़ा। आप पढ़ाई करते हो, आप 3rd division पास कर लेते हो, MA कर लेते, हिंदी में कर लेते, कहीं साइकोलॉजी में कर लेते, कभी सोशियोलॉजी में कर लेते, बेटा ऐसे में नौकरी नहीं लगती, आप ऐसे विषय में सब्जेक्ट में आप मास्टर्स डिग्री लो जहाँ नौकरी की उपलब्धता है। आप जैसे जो अनजान लोग हैं उनके सामने बोलोगे मैं 2 MA हूँ, 4 MA हूँ, परंतु नौकरी नहीं लगेगी प्रियो। आप ऐसी चीजों को लो, BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग, यहाँ पर नौकरी की संभावनाएं हैं। तो आप संभावनाओं को देख करके अपनी डिग्री बढ़ाओ। आप MA कर लिए 4 विषय में, कुछ लोग मेरे पास आते हैं कि कॉलेज में नौकरी लगा दो मैडम, मेरी बीवी की अब 4 MA है, और जब उसका रिजल्ट देखते हैं तो 3rd division है, 2nd division है। मैंने कहा भैया मैं नहीं लगा सकती।
जो टॉपर लोग हैं उनका ये दुर्गति हो रही है, तो ऐसे लोगों की क्या होगी। तो प्रियो मैं यही कहूंगी, यदि आपको जिद है, यदि आपने ठान लिया है, तो आप पढ़ोगे और अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से पास होगा। डिग्रियों को जमा करके क्या फायदा है, नौकरी तो नहीं मिलने वाली, पर एक डिग्री लो जिसमें आपकी सिद्धता है, जिसमें आपका प्रोमिनेंस है, जिसमें आप बहुत कट्टर काम में लगे हुए परिश्रमी व्यक्ति हैं, तब तो आगे बढ़ोगे। तो इस प्रकार मैं ईश्वर को धन्यवाद देती कि उस जगह पर मैंने ईसाइयों में तो वैसे ही कब रहते हैं, पर जब तक मैं अपनी नौकरी में रही 40 साल 45 साल, तब तक मैं बहुत पेपर में छाई रहती थी, नाम मेरा उजागर रहता था। ईसाइयों के लिए मैंने एक दीप के समान काम किया कि ईसाई लोग भी कुछ होते हैं, परंतु आप मैं अपने बात देखती हूँ तो मुझे कोई नजर नहीं आता, तो बड़ा दुख लगता है कि कैसे लोग, हम भी तो गरीब थे ना, और कैसे हम आगे बढ़े। ऐसा तो नहीं कि हमारे घर वाले बहुत पढ़े लिखे थे, धनवान थे, पर यह है कि आपको आपकी इच्छाओं को मारना है। इस उम्र में जब शरीर की अभिलाषाएं बहुत ज्यादा जोरावर होती हैं, यदि आप उससे लड़ लो और उससे पार केवल अपने भविष्य के लिए सोचो, आप विजय प्राप्त करोगे। तो ये हमारा बाइबल है जो यही बताता है कि अपनी शारीरिक अभिलाषाओं से भाग। इच्छा तो होती शादी करने की, इच्छा तो होती, वो लड़का बड़ा अच्छा लग रहा है, पर नहीं, शादी के बाद, पढ़ाई के बाद, नौकरी के बाद लड़के को ढूंढो। बिना पढ़ाई के लड़का मत ढूंढो बेटा, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। शादी के बाद लड़का सताएगा, मारेगा, पीटेगा, निकाल दिया जाएगा, क्या करोगे? पढ़ाई नहीं, लिखाई नहीं, नौकरी नहीं, क्या करोगे? मैं इस मंथन सोचने के लिए आपके मन में डाल रही हूँ, ये जो बेटे और भाई लोग हैं उन लोग भी सोचें अपनी बहनों के लिए और अपनी बेटियों के लिए कि एक उसको ऐसी जगह खड़ा कर दो ताकि वो नौकरी के लिए उसको वो प्रतिबद्ध हो सके। और ऐसे ही वैसे सब्जेक्ट में कर लोगे, गाँव में बताओगे मैं चार एम ए, मेरी भाई है, तीन एम ए मेरी भाई, और थर्ड डिवीजन है, सेकंड डिवीजन है, तो बेटा कोई नहीं पूछेगा। आप पढ़ाई का बाइबल में लिखा है कि दौड़ ऐसी दौड़ना है ताकि क्या कर सको, तुम कहाँ पाओ, फर्स्ट, ऐसी दौड़ दौड़ो जिसमें तुम प्रथम स्थान प्राप्त करो। जिंदगी बड़ी है, बच्चों को पालना होगा, आप कभी तो आगे बढ़ोगे ना, और आपके पास बाइबल है और बाइबल आपको मार्गदर्शित करेगा। सभी को प्रेज द लॉर्ड। ये नेहरू आर्ट गैलरी है, भिलाई का फेमस हॉटस्पॉट है। यहाँ पर कई प्रदर्शनियाँ, एग्जीबिशंस और आयोजन होते हैं, और ये सिविक सेंटर का एरिया है जो भिलाई शहर में काफ़ी मशहूर है। आप देख सकते हैं ये सिविक सेंटर का है, भिलाई स्टील प्लांट द्वारा स्थापित किया गया है, और सामने में ये ट्रैफिक पार्क दिख रहा है। सेल देखिए बोर्ड में लिखा है, सेल भिलाई स्टील प्लांट्स स्वागतम, स्वागत करता है। सेल जो है वो एक महारत्न कंपनी है, महारत्ना कंपनी है, और ये कई सालों से स्थापित है भिलाई की फेमस जगह। यहाँ पर मेरी मम्मी का फोटो और उनका जो प्रेसिडेंट अवार्ड राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल ए पी जे कलाम के द्वारा जो 2003 में दिया गया, उनका फोटो और तस्वीर है एग्जिबिट में। ये देखिए डोम शेप का है, ये नेहरू आर्ट गैलरी कहलाती है। ऊपर नाम देख सकते हैं, बड़ी सुंदर जगह है, अच्छी रखरखाव है यहाँ पर, और गार्डन अच्छा बना हुआ है। ये देखिए, तो यीशु का धन्यवाद कि उसने मेरी मम्मी को ऐसे कठिनाई और कठिन परिस्थितियों से ऊंचा उठाया। और ये महिला दिवस के अवसर पर है, देख सकते हैं, महिला, आपका हार्दिक स्वागत महिला दिवस के अवसर पे।
महिला दिवस के शुभ अवसर पर भिलाई स्टील प्लांट से समृद्ध विभिन्न विषयों विधाओं के पारंगत व प्रतिष्ठित महिला क्रामिकों व अधिकारियों के चित्र प्रदर्शनी इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2020 पर और ये कोरोना वायरस के बारे में भी दिया हुआ है, किस प्रकार से हमें सावधान रहना, सावधानी बरतना, कैसे फैलता है। और हम एंटर कर रहे हैं, बड़ा प्यारा सा सुंदर सा एंट्रेंस है। और ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के यादगार में ये भवन समर्पित है। देखिए इसका फ्रंट रिसेप्शन है, बड़ा खूबसूरत है। यहाँ से सामने के दो दिख रहे हैं डोर्स जो आर्च शेप के हैं, बहुत ही सुंदर। यहाँ से ये एंट्रेंस और यहाँ के जो बोर्ड्स हैं वहाँ पर लिखे हुए हैं, स्टील वी सैल्यूट वुमेन ऑफ स्टील। अलग अलग कई, जब से भिलाई स्टील प्लांट स्थापित हुआ कई महिलाओं ने योगदान दिया, उनमें से वो जो विशेष जो उनको राष्ट्रीय अवार्ड मिले प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भारत देश से, और उन्होंने बड़ा ही सराहनीय काम किया, उनका तस्वीर है। ये देखिए मेरी मम्मी का लिखा हुआ है, वी सैल्यूट वुमेन ऑफ स्टील। भिलाई स्टील प्लांट के शिक्षक विभाग में प्राचार्य के पद पर कार्यरत रही श्रीमती पुष्पा मैसी महामहिम राष्ट्रपति के शिक्षक दिवस पुरस्कार से सम्मानित होने वाली भिलाई की पहली शिक्षिका रही है। भिलाई की ही फर्स्ट शिक्षिका 5 सितंबर 2003 को राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2002 के लिए प्रदान किया गया था। अनुशासन और कर्मठ के लिए ख्याति पात श्रीमती पुष्पा मैसी बच्चों में एक लोकप्रिय शिक्षिका भी रही। मेरे प्रियो, ये यीशु की महिमा के लिए है। आओ देखो, लुक व्हाट द लॉर्ड हैज डन। ओ मेरी मम्मी प्रभु के भय में, यीशु के भय में चलती रही। और जैसे बाइबल में लिखा है नीति वचन 9:10 में, भजन संहिता 111:10 में, परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, परमेश्वर का भय मानना ज्ञान का आरंभ है। तो मम्मी को वो बुद्धि ज्ञान परमेश्वर ने दिया, उसका मार्ग पर चलती रही। अपने से छोटे पोस्ट में, छोटे पद वाले, छोटे जिसकी सैलरी थी, कम सैलरी थी, और उनके मम्मी लेक्चरर थी और मेरे पापा असिस्टेंट टीचर थे, और मम्मी को खूब अच्छे ऑफर्स मिल रहे थे, मगर वो अन्य जातियों से डॉक्टर इंजीनियर, परंतु मम्मी ने एक विश्वासी के नाते, एक छोटे कम पढ़े लिखे मम्मी, मेरी MSc गोल्ड मेडलिस्ट, और पापा से शादी की, उस समय असिस्टेंट टीचर थे, वो BSc थे, सैलरी भी बहुत कम थी मेरी मम्मी की तुलना में, परंतु देखिए यीशु ने कैसे उनके बाद ये सब करने के बाद भी यूसुफ के समान मम्मी को बहुत ही दुख दर्द सताव संघर्ष से अपने ससुराल में और ओ अपने इन लॉज के बीच में बहुत उनको टॉर्चर मिला, और वो फिर भी प्रभु से लिपटी और चिपटी रहीं, प्रभु से प्रार्थना करते रहीं। और आज देखिए पूरा भिलाई शहर में, जो छत्तीसगढ़ में पाया जाता है और पूरे विश्व में प्रसिद्ध है भिलाई स्टील प्लांट, वहाँ की रेल्स कितने हजारों ओ लोगों को आशीष का कारण बनती है। वो रेल पटरियाँ और ब्रिज यहाँ के स्टील लोहे से रॉड से बनाया जाता है। तो किस प्रकार से मम्मी मेरी प्रचार बनी, और उसके बाद वो 11 साल रिटायरमेंट के बाद सेंट थॉमस कॉलेज, भिलाई का प्रेस्टिजियस कॉलेज है, उसमें एज ए हेड ऑफ डिपार्टमेंट BEd
फैकल्टी में रही वो एज ए HOD, तो ईशु का धन्यवाद। उन्होंने रिटायरमेंट के बाद दो दो PhD किया, एक एजुकेशन में PhD किया फ्रॉम रविशंकर यूनिवर्सिटी और दूसरा थियोलॉजी में PhD किया। कितनी आशीषें ईशु देता है, सोचिए। जैसे लिखा हुआ है भजन संहिता में कि वो पुराने होने पर भी, बूढ़े होने पर भी फलते फूलते रहेंगे, लहलहाते रहेंगे, वैसा ही बिल्कुल हुआ मम्मी के जीवन में। रिटायरमेंट के बाद 11 साल तक वो नौकरी करती रही कॉलेज में एज ए प्रोफेसर, एज ए HOD। इट्स ऑल ग्लोरी टू जीसस। लुक व्हाट द लॉर्ड हैज डन, इट इज मार्वेलस इन आवर आईज। साम्स 118:23, देखो ये यीशु ने किया और ये हमारी दृष्टि में अनमोल है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। ये देखिए और भी है जो महान अच्छे काम और एक अलग पहचान भिलाई में रहते हुए वहाँ के कर्मचारियों ने, वहाँ के वर्कर्स ने, महिलाओं ने जो काम किया, इनके बारे में सबके तस्वीर लगी हुई हैं। ये देखिए कितना सुंदर है उसका, देखिए ऊपर का छत, ब्यूटीफुल, लवली, फैबुलस, कितना सुंदर है। और ये भी बड़ा खूबसूरत है, ब्यूटीफुल। ये देखिए पूरी एग्जिबिट्स हैं, थैंक यू जीसस। पेंटिंग्स भी हैं यहाँ पर, पेंटिंग्स भी लगी हुई हैं, ब्यूटीफुल, जो लोगों ने बनाया है, जो फेमस हुई हैं। देखिए कितनी खूबसूरत पेंटिंग्स भी हैं। देखिए ये केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस स्टील गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्टर हैं, उनकी तरफ से शुभकामनाएं महिला दिवस के ऊपर उपलक्ष्य में भारतीय महिलाओं के लिए। उनका संदेश है, ग्रीटिंग्स है। और ये है अनिल कुमार चौधरी, जो चेयरमैन हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, उनका ये अभिनंदन है। ए वुमेन इज द फुल सर्कल, विद इन हर इज द पावर टू क्रिएट, नर्चर एंड ट्रांसफॉर्म। विशिंग एवरीवन ए हैप्पी वुमेन्स डे, अनिल कुमार चौधरी का ये मैसेज है। देखिए कितना खूबसूरत है। और यहां पर भी हम देखेंगे, यहां पर भी मेरी मम्मी का है फोटोग्राफ, पुष्पा मैसी को महामहिम राष्ट्रपति से राष्ट्रीय सम्मान। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, ये यीशु ने किया, देखो यीशु ने किया, ये हमारी दृष्टि में अद्भुत है। लुक व्हाट द लॉर्ड जीसस हैज डन एंड इट इज मार्वेलस इन आवर आईज। ओ यस, इट इज मार्वेलस इन आवर आईज। सो थैंक यू जीसस, ऑल ग्लोरी ऑनर, ओ प्रेजेस टू यू। उसका बाइबल का वचन सत्य है, भजन संहिता 113 और उसके 7 और 8 में लिखा है कि ही रेजेज द पुअर आउट ऑफ डस्ट एंड द नीडी आउट ऑफ द डंग हिल। वो गरीब को, हालेलुया, कंगाल को वो मिट्टी में से, धूल में से उठाता है और राजकुमारों के साथ बैठाता है। ही मेक्स देम टू सिट विद द प्रिंसेस ऑफ हिज पीपल। थैंक यू जीसस। यीशु मसीह लिविंग गॉड है, लविंग गॉड है, वो जीवित हैं, वो प्यार करते हैं।
धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, ओ थैंक यू जीसस, ऑल ग्लोरी ऑनर एंड प्रेज टू यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू 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 जीसस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, hallelujah, 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 thank you Jesus, thank you Jesus, hallelujah, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, oh thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, hallelujah, amen, amen, amen.